आपके पास ये है। अभी मैं जो भी क्वेश्चंस पूछूंगी, सपोज अगर वो चीज ये मैम करती है तो आपको पब्लिक को वो फोटो दिखानी है। सो हम चेक करेंगे आप दोनों के आंसर्स कितने मैच करते हैं। सो बोथ आर रेडी? ओके मैम, दो सर दो फोटोज हैं यहाँ पे, एक मैम का और एक आपका। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी अगर वो चीज आप करते हैं तो आपको राइट। सो हमारी ऑडियंस इन्हें परखने के लिए रेडी है? एक बार चिल्ला कर दिखाएंगे। यस ओके। तो सर एंड मैडम, सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है आप दोनों में से? हमारे ऑडियंस को दिखाएंगे सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है। ओके ओ मैच क्वेश्चन मैच आंसर्स मैच हो गए। ओके और आप दोनों में से सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन है? ओह अगेन सर, अरे मैम। ओके आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे कौन रहता है, लाइक व्हाट्सएप पे कौन रहता है, फेसबुक पे? ओके वैशाली जी। ओके अगेन वैशाली जी, सो यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे बहुत रहती हैं, आपकी मदर इन लॉ यहाँ पे है। तो सासू माँ ये खाना नहीं बनाने वाली है, ये ऑल द टाइम व्हाट्सएप पे ही रहने वाली है। सो पास ऑफ जो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? ओ सर, अरे अपोजिट, वो उनका नाम वो उनका नाम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दोनों में झगड़ा होने के बाद, लाइक सभी कपल्स में थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो आप दोनों में से झगड़ा होने के बाद सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? ओह स्वीट, ऑल द टाइम गर्ल्स सॉरी। नो मैम, उन्हें भी बोलने दीजिए। ओके नेक्स्ट, आप दोनों में से सबसे पहले आई लव यू किसने बोला? डोंट बी शाय। बॉय, वेरी फ्लोटी बॉय सर। ओके थैंक यू सर। आप दोनों में से सबसे ज्यादा खाता कौन है सर? अरे अच्छा, हेल्थ देख के वी कैन जज कि सर ज्यादा खाते हैं, बट सर अभी नेक्स्ट टाइम आज के बाद से आपको मैम को ज्यादा खिलाना है। खाना ही नहीं, मैम डाइटिंग में एक्चुअली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दोनों में से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है सर? ओके ओह मैम ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट, आप दोनों में से सबसे ज्यादा बातें कौन करता है? ऑल द टाइम चपर चपर चपर, पब्लिक को पब्लिक को। ओके ऑल द टाइम चपर चपर। आप दोनों में से सबसे ज्यादा मम्मी 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 कौन करता है? नहीं मैम ने बोला सर करते हैं, आप करते हैं। तो मैम आपकी तो चलने वाली नहीं है आई थिंक। ओके ओके थैंक यू। तो थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप लोगों के लिए मैम आप दोनों यहाँ आ जाइए। तो लाइक आपकी शादी में तो लाइक बहुत से वचन लिए होंगे आपने, बट मेरे लिए, मेरे पास आज आपके लिए कुछ वचन हैं, फ्यू मोर वचन जो आपको लेने हैं, ठीक है? तो आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैम मकरन, मैम मकरन, ये वचन लेता हूँ, ये वचन लेता हूँ कि जब भी मेरा, जब भी मेरा और वैशाली का, और वैशाली का झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, तो सबसे पहले, तो सबसे पहले सॉरी मैं बोलूंगा, सॉरी वैशाली बोलेगी। दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये वचन लेता हूँ, मैं ये वचन लेता हूँ कि आज के बाद, आज के बाद रोज सुबह पहले, रोज सुबह पहले मैं उठूंगा, मैं उठूंगा, अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अदरक वाली चाय बनाऊंगा और फिर तुम्हें उठाऊंगा, फिर तुम्हें उठाऊंगा। अच्छा दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर आपको चाय बनानी आती है? वो आती है, कॉफी भी आती है, कॉफी भी आती है। सो पब्लिक मम्मी जी कहाँ है? वैशाली जी की मम्मी जी आप आइए चाय पे, ये चाय बनाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट वचन, मैं ये वचन लेता हूँ, मैं ये वचन लेता हूँ कि आज से किसी भी पराई लड़की को, आज से किसी भी पराई लड़की को
नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा और किसी भी पराई लड़की को किसी भी लड़की को किसी भी लड़की को पराई नहीं समझूंगा मैं पराई समझूंगा अगेन फनी दैट्स गुड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये वचन लेता हूँ कि कभी भी वैशाली वैशाली और शीशे के बीच में नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा दो घंटे भी लगाएगी चार घंटे भी लगाएगी फिर भी कहूंगा बहुत जल्दी तैयार हो गई तुम सर ये सबसे बड़ा रीजन होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होने का सो आपको जब भी वो रेडी होंगी उसके बीच में नहीं आना है नहीं तो आपको पढ़ने वाली है राइट वन मोर वचन मैं ये वचन लेता हूँ वैशाली ये मत समझना कि मैं डर गया कि मैं डर गया शादी के बाद भी मैं शेर हूँ मेरा सबने भी शेर और तुम शेरा वाली हो तो सर आप भी डरिए मत लाइक वो भी शेरा वाली है तो थोड़ा सा डरना तो पड़ेगा ही और मैं आपके साइड से अभी बोलूंगी आपको कुछ नहीं बोलूंगी आपको जस्ट उनको अच्छे से रखना है उन्हें सपोर्ट करना है और ये रिश्ता हमेशा चलता रहे ऐसा वचन है एग्री है यस ओके तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए वैशाली और मकरंद के लिए वेरी गुड